विकास दुबे कांड के एक साल बाद भी दोषी ऑफिसरों पर क्यों नहीं हो रही है कार्यवाही? मुख्य सचिव से अब इस पूरे मामले में मांगी गई रिपोर्ट। बिकरू कांड यानी कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के मुठभेड़ के बाद हुई जांच में कई ऑफिसरों और पुलिस वालों के गैंगस्टर से साठगांठ का खुलासा हुआ था। आरोपित ऑफिसरों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक साल बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 60 दिनों के अंदर कार्यवाही से अवगत कराते हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बिकरू कांड के आरोपियों में आईपीएस पीसीएस 67 दारोगा और इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मी शामिल थे। इसमें 6 को बड़ा दंड, 8 को लघु दंड और 23 के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश हुए थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 11 सीओ को भी दोषी पाया गया था और ये वही अधिकारी थे जिनके समय पर मास्टरमाइंड विकास दुबे के असलाह का लाइसेंस बना और रेन्यू होता चला गया। इसके अलावा कुछ और पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए, सभी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। कार्यवाही किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ आज तक नहीं हुई। इसी मामले को लेकर एडवोकेट सौरभ सिंह भदौरिया ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 60 दिनों में कार्यवाही कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। एडवोकेट के मुताबिक आरोपित पुलिस कर्मियों को जांच में बचाने के लिए ये देरी की जा रही थी। वैसे पिछले साल 2020 में 2 से 3 जुलाई की रात कानपुर के विकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ समेत 8 पुलिस वालों को रात के अंधेरे में घात लगाकर मार डाला था। पुलिस कर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे। पुलिस कर्मी की हत्या के अगले ही दिन पुलिस ने विकास दुबे के चाचा प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को मार गिराया था। इस मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे एक हफ्ते के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम उज्जैन से कार के जरिए ला रही थी। यूपी पुलिस के मुताबिक कानपुर में एंट्री के दौरान तेज बारिश हो रही थी जिससे काफिले की एक गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों का हथियार छीना और भागने की कोशिश की। जब पुलिस की ओर से उसे घेरा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा इसके बाद मौजूद जवानों ने गोलियां चलाई और विकास दुबे मारा गया। खैर, ये तो विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी थी, लेकिन जो कहानी निकल कर अब सामने आ रही है कि विकास दुबे के साथ में जितने पुलिस वाले थे, जिसमें कई आईएएस अधिकारी, कई पीसीएस अधिकारी, कई पुलिसकर्मी शामिल थे, उनके खिलाफ कब जांच सामने आएगी? अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट कब तक सौंपी जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस पूरे मामले में आपको पल पल कर रिपोर्ट देते रहेंगे।